What's up everyone? Welcome back to the channel. तो क्लास 11th में एक बहुत अच्छा टेक्निकल एज वेल एज इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जो कि है डबल एंट्री सिस्टम. आपकी पूरी बुक इस सिस्टम पे बेस्ड है. तो क्या होता है डबल एंट्री सिस्टम, कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, किस तरीके से इसमें चीजें रिकॉर्ड होती हैं, ये सब हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं. तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगे करेंगे. जल्दी से जाके अपनी कॉपी पेन ले आओ, तभी आपको मजा आएगा जब आप साथ साथ नोट्स बनाओगे या जो भी बुक लेके जिससे भी आप पढ़ते हो लेके बैठो और साथ साथ चीजें मार्क करो. लेट्स बिगिन. तो गाइस चैप्टर का नाम क्या है, डबल एंट्री सिस्टम. देखो अकाउंटिंग करने के ना दो सिस्टम्स हो सकते हैं, एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, एक होता है डबल एंट्री सिस्टम. सिंगल एंट्री सिस्टम का भी आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे बिल्कुल लास्ट में जब आप फाइनल्स के आसपास पहुंच जाओगे. डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम बेसिकली इसकी जो पहली बुक है, जो फर्स्ट बुक है डबल एंट्री सिस्टम की, वो लिखी गई थी बाय लुका पेसिओली. लुका पेसिओली को ही हम लोग फादर ऑफ अकाउंट्स भी बोलते हैं. तो याद रखना, अगर आपसे कोई पूछ ले कि हु इज द फादर ऑफ अकाउंट्स, तो लुका पेसिओली इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ अकाउंट्स. ठीक है, इन्होंने पहली बुक लिखी थी डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर. डबल एंट्री सिस्टम नाम में ही आ रहा है तो इसका मतलब क्या, ये तो नहीं कि हर चीज की दो एंट्री होती होगी. जनरल एंट्री पढ़ के आए हो आप, क्या हर चीज की दो एंट्री करनी है? नहीं, ऐसा नहीं. देखो आप कभी भी कोई भी चीज करते हो तो उसके दो इंपैक्ट्स होते हैं. जैसे सपोज मैंने कोई फर्नीचर खरीदा तो मेरे पास फर्नीचर आया और पैसा गया. मैंने कोई मशीनरी बेची तो मेरे पास पैसा आया और मशीनरी गई. मैंने बच्चों को पढ़ाया, मैंने अपनी सर्विसेज दी, उन्होंने मुझे फीस दी. तो एक चीज जा रही है, एक चीज आ रही है. तो हर जगह कम से कम कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट? तो बेसिकली होता क्या है डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम में हम लोग वो सारी चीजें इस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, सारी ट्रांजेक्शन इस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं कि वो कम से कम कितनी जगह रिकॉर्ड हो, दो जगह रिकॉर्ड हो. और जगह जहां पर रिकॉर्ड होती है उनको क्या बोलते हैं, अकाउंट, राइट? तो देखो क्या लिखा है, Every business transaction will affect कम से कम कितने accounts? दो accounts. इसी system को हम double entry system बोलते हैं, right? अब double entry system में अब accounts की बात हो रही है. तो सर accounts कितने प्रकार के होते हैं, ये question है Southern India सवाल, ये आपके paper में पक्का आने वाला है. This is Southern India. आपको categorize करना होगा कि बताओ ये कौन सा account है. और जनरल एंट्री भी इसी से होती है जो आपने सीखी है. तो हमारे पास बेसिकली टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, याद रखो. एक होता है पर्सनल और एक होता है इम्पर्सनल. एक अकाउंट्स कौन से होते हैं, पर्सनल, और दूसरे कौन से होते हैं, इम्पर्सनल. तो सबसे पहले पर्सनल की ही बात कर लेते हैं. पर्सनल कौन से होते हैं, देखो यार पर्सनल होते हैं रिलेटेड टू पर्संस, जैसे कि राम, श्याम, सीता, गीता, चिंटू, चिंटी, मिंटू, पिंटू, ये चिंटी है, ठीक है? तो जितने भी पर्सन्स हैं, राम, श्याम, सीता, गीता, चिंटू, चिंटू, मिंटी, चिंटी, पिंटी, वो सब पर्सन्स को हम लोग बोलते हैं पर्सनल अकाउंट. सर क्या बस यही पर्सन्स होते हैं? देखो ये तो है नेचुरल पर्सन्स. पर्सन्स कितने प्रकार के हो गए, एक तो हो गया नेचुरल पर्सन्स, नेचुरल मतलब जो नेचर से डेवलप हुए हैं. कुछ आर्टिफिशियल पर्सन्स भी होते हैं. सर आर्टिफिशियल पर्सन, ये कौन सा पर्सन होता है? हाँ बेटा हाँ, आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है वो पर्सन्स जिनका जन्म लॉ से हुआ है, जिन्होंने लीगल राइट है जिनके पास खुद को पर्सन कहलाने का. जैसे कि आपके स्कूल का नाम, फॉर एग्जाम्पल डीपीएस, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एपीएस, फॉर एग्जाम्पल कोई भी कंपनी का नाम, फॉर एग्जाम्पल डीसी, राइट? डीसी को जानते हो नहीं जानते हो? डीसी को नहीं जानते तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, और कौन जानता है वो भी बताना. फॉर एग्जाम्पल आईसीआईसीआई, फॉर एग्जाम्पल पंजाब नेशनल बैंक, फॉर एग्जाम्पल एसबीआई. तो जितनी भी कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, क्या उन सब की भी अपनी पहचान होती है? बिजनेस की भी अपनी अलग पहचान होती है? हर चीज की अपनी अलग अलग पहचान होती है या नहीं होती है? तो अलग आइडेंटिटी, अलग पहचान इन्हें नेचर से नहीं मिली, इन्हें लॉ से मिली, लीगल वे में मिली. तो इनको बोलते हैं हम आर्टिफिशियल पर्सन. तो पर्सनल में एक तो नेचुरल पर्सन आते हैं, एक आर्टिफिशियल पर्सन आते हैं, और एक और होता है तीसरा जिसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल.
रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। सर ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल होता है जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करे। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल अप्रैल की सैलरी है और 10 लोगों की सैलरी देनी रह गई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, 10 लोगों की, कितनी 10 लोगों की। अब उन 10 का अलग अलग नाम ना लिख के मैं उन्हें एक अकाउंट में लिख देता हूं जिसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरीज। पढ़ा आपने शब्द ड्यू बट नॉट पेड, आउटस्टैंडिंग। तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट रिप्रेजेंट करेगा उन्हीं 10 लोगों को कि इनकी सैलरी देनी रह रही है। तो कोई ऐसे अकाउंट जो किसी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करे उन्हें बोलते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। सिमिलरली प्रीपेड एक्सपेंसेस, आपने कोई प्री पे में एडवांस में पे कर दिया। सिमिलरली एक्रूड इनकम्स, किसी प्रकार की कोई भी एक्रूड इनकम हो, अर्न बट नॉट रिसीव्ड, आपने कोई इनकम कमा ली लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई, एक्रूड इनकम। सिमिलरली अनअर्न्ड इनकम्स, तो इस तरीके की चीजें आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड, ये सब हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाते हैं। ठीक है, तो पर्सनल में हमारे पास यही सब चलता है। सर पर्सनल का जर्नल एंट्री का रूल क्या होता है? आप कह रहे थे इनसे जर्नल बनती है, तो जर्नल एंट्री का रूल क्या है? वेरी सिंपल, वेरी वेरी बेसिक एंड सिंपल रूल जर्नल एंट्री का। पर्सनल में जो रूल चलता है वो चलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अरे ये तो आपने पढ़ा हुआ है, रिसीवर गिवर वो इंसान ही तो होते थे, इंडिविजुअल ही तो होते थे। तो पर्सनल का रूल ये होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट मतलब लेफ्ट साइड, क्रेडिट मतलब राइट साइड। अमेजिंग। इम्पर्सनल पे आ जाओ, चलो अब जल्दी से। इम्पर्सनल क्या सर? जो पर्सनल नहीं है। अरे जो पर्सन नहीं है वो इम्पर्सनल, जो नेचुरल नहीं है, जो आर्टिफिशियल नहीं है, जो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो सब कौन? इम्पर्सनल। इम्पर्सनल के दो पार्ट्स बनाओ सर, पहला रियल, दूसरा नॉमिनल। रियल कौन सा होगा? रियल होगा जो हमारी प्रॉपर्टीज के अकाउंट्स हैं, जो हमारे एसेट्स के अकाउंट्स हैं, जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट दे रहे हैं। सर जैसे एग्जांपल दो ना, एग्जांपल भी लो बच्चों, जैसे मशीनरी, जैसे कि प्लांट, जैसे कि बिल्डिंग, जैसे कि फर्नीचर। तो क्या ये सारी आपकी प्रॉपर्टीज हैं? क्या ये सारे आपके एसेट्स हैं? क्या ये आपको फ्यूचर में बेनिफिट देने वाले हैं? मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब बेनिफिट देने वाली चीजें हैं। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हें हम लोग बोलते हैं रियल अकाउंट्स। इन्हें क्या बोलना है? रियल अकाउंट्स। तो जितनी भी चीजें आपकी प्रॉपर्टीज हैं, एसेट्स हैं, जो आपको बेनिफिट दे रही हैं, वो सब रियल अकाउंट्स का पार्ट होती हैं। सर रियल अकाउंट में क्या होता है, क्या रूल चलता है रियल अकाउंट में? तो रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आया उसको डेबिट कर देना। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो गया उसको क्रेडिट कर देना। आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। ठीक है सर, इसके भी कुछ और पार्ट्स होते हैं क्या? हाँ बेटा बिल्कुल होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जल्दी से नोट डाउन करो आप लोग। ये रियल में जो रियल अकाउंट है वो दो तरीके का होता है, एक होता है टेंजिबल इनटेंजिबल, टेंजिबल इनटेंजिबल, टेंजिबल इनटेंजिबल। टेंजिबल कौन से होते हैं? जो आप टच कर सकते हो, जो आप देख सकते हो, जो आप फील कर सकते हो। इनटेंजिबल होते हैं मिस्टर इंडिया, जो दिखता ही नहीं है बट एग्जिस्ट करता है। इंटेंजिबल कौन सा होता है? दिखता नहीं है बट एग्जिस्ट करता है। ऐसा भी कुछ होता है? बिल्कुल, आपकी गुडविल, आपका कोई सॉफ्टवेयर्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स दिखते थोड़ी ना है, बस फील करते हो। आपका पेटेंट्स, अगर आपने कोई राइट्स कराई हैं, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, जो सिंबल को यूज करने का राइट होता है उसको ट्रेडमार्क बोलते हैं। तो इस तरीके के एसेट्स को हम इंटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, और ये किसका पार्ट है? रियल अकाउंट का ही पार्ट है। टेंजिबल में कौन कौन से आते हैं? जो आपको दिखते हैं, जैसे कि वही मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट, ये सारी चीजें, ETC, ये सब हमारे पास टेंजिबल एसेट्स होते हैं। तो रियल में टेंजिबल इंटेंजिबल रूल भी आपको पता लग गया। कौन सा रूल था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल क्या होता है? व्हाट इज नॉमिनल? नॉमिनल, नॉमिनल होते हैं हमारे पास सभी एक्सपेंसेस, यानी सारे खर्चे, लॉसेस, नुकसान, इनकम्स, जो भी आप कमा रहे हो, गेन्स, जो भी आपके फायदे हैं। तो ये चारों चीजें
एक्सपेंस हो, लॉस हो, इनकम हो, गेन हो, ये सब आप कौन से अकाउंट्स का पार्ट मानते हो? नॉमिनल का। सर नॉमिनल का रूल क्या है? रूल तो आपको पता है, नॉमिनल का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अरे यही तीन रूल तो हमने जर्नल एंट्री में पढ़े थे, तो सभी एक्सपेंसेस लॉसेस को डेबिट कर देना, सभी इनकम गेन्स को क्रेडिट कर देना, यही तो जर्नल एंट्री में पढ़ा था। ये बेसिकली सारे नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, इन्हें सब नॉमिनल बोलते हैं। रेंट पेड, सैलरी पेड, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सब, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ये सब हमारे खर्चे और इनकम्स, नुकसान और फायदे, लॉसेस एंड गेन्स, ये सब नॉमिनल अकाउंट्स का पार्ट होते हैं। ओके, अब देखो एक चीज और, तुम लोग को एक स्पेशल नोट लिख लो, जल्दी से एक नोट लिखो। इफ एनी प्रीफिक्स और सफिक्स is placed with nominal accounts, अगर कोई भी प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब पहले, नाम से पहले, एंड सफिक्स, सफिक्स का मतलब बाद में, पहले या बाद में, प्रीफिक्स मतलब पहले, सफिक्स मतलब बाद में, तो अगर कोई प्रीफिक्स या सफिक्स लगाया गया है किसी नॉमिनल के साथ, नॉमिनल अकाउंट के साथ, इट बिकम्स रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में आने वाली चीज है। अगर कोई भी प्रेफिक्स या सफिक्स लगा दिया जाए किसी नॉमिनल अकाउंट के साथ, तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाता है। सर मतलब समझ में नहीं आया। देखो मैंने बोला नॉमिनल क्या है, सपोज सैलरी, सैलरी आपका खर्चा है, आपका एक्सपेंस है, तो आप इसको नॉमिनल बोलते हो। लेकिन अगर मैं इससे पहले आउटस्टैंडिंग शब्द लगा दूं कि सैलरी दी नहीं है, अभी देनी बाकी है, प्रीफिक्स लग गया, पहले एक शब्द लग गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, अब ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बन गया, क्योंकि अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है उन लोगों को जिनकी सैलरी देनी है। ठीक है, मैंने बोला सर रेंट, रेंट के साथ मैंने लगा दिया प्रीपेड, दैट इज पेड इन एडवांस, आपने एडवांस में पे कर दिया, सिर्फ रेंट था तो नॉमिनल था, खर्चा था, आपने प्रीपेड लगा दिया, उसके साथ एक शब्द लगा दिया पहले या बाद में, तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बन जाएगा। तो याद रखना, कभी भी नॉमिनल के साथ, किसी भी खर्चे इनकम के साथ, पहले या बाद में कोई प्रीफिक्स या सफिक्स लग जाए, तो वो क्या बन जाता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग कुछ चीजें बढ़िया तरीके से समझ आई होंगी। एक जगह करने की कोशिश करते हैं, लो जी स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ और आपको इमेज वगैरह लेनी है तो वो लीजिए, और अच्छे से चीज़ों को एक बार गो थ्रू करेंगे, अच्छे से चीज़ों को एक बार चेक करेंगे, और फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? चलिए छोटा सा क्वेश्चन एक और आता है, क्या स्टेजेस होती हैं हमारे पास डबल एंट्री सिस्टम में? जब भी हम इस तरीके से दो दो अकाउंट्स को इन्वॉल्व करके चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, तो क्या स्टेजेस होती हैं? देखो सबसे पहला स्टेज होता है ओरिजिनल रिकॉर्ड। ओरिजिनल रिकॉर्ड का मतलब हम लोग सबसे पहले जर्नल एंट्री बनाते हैं, जो आप बना के आए हो। जर्नल एंट्री में क्या करते हो? आप चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं ना, कैश डेबिट टू कैपिटल, परचेजेस टू कैश, कैश टू सेल्स, डेटर टू सेल, इस तरह की एंट्रीज आप लोग पास करते हो। तो सबसे पहला स्टेज होता है रिकॉर्डिंग करना, ओरिजिनल रिकॉर्ड, जर्नल एंट्री बनाना। जर्नल एंट्री के बाद हम लोग बनाते हैं लेजर। लेजर को क्या बोलते हैं हम लोग? क्लासिफाई करना। अब अलग अलग अकाउंट्स बनाना कि कौन सा रियल है, कौन सा पर्सनल है, कौन सा नॉमिनल है, कौन सा कैश का अकाउंट है, कौन सा डेटर का अकाउंट है, कौन सा क्रेडिटर का अकाउंट है, अलग अलग लेजर बनाते हो ना। इसका भी अलग से चैप्टर मैंने रिकॉर्ड करावा है, इसका भी अलग से चैप्टर रिकॉर्ड करावा है, ऑलरेडी प्रोवाइडेड है वीडियोस, तो आपको पहले वो लोग वो चीजें भी देख लेनी है। ठीक है, तो जर्नल एंट्री, फिर लेजर, लेजर के बाद फिर समराइजिंग करते हैं। समराइजिंग मतलब हम लोग फिर ट्रायल बैलेंस बना देते हैं, और ट्रायल बैलेंस की मदद से हम लोग क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये सारी चीजें अभी आप आगे सीखोगे, ये आपके टर्म टू यानी फाइनल एग्जामिनेशंस में आने वाले चैप्टर्स हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ट्रायल बैलेंस हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये भी आप लोग आगे सीखोगे। फिलहाल आपको ये प्रोसेस पता होना चाहिए, वो क्या है कि जर्नल एंट्री बनाओ, लेजर बनाओ, ट्रायल बैलेंस बनाओ। ठीक है, अब आपकी बुक्स में बिल्कुल लास्ट में इसी चैप्टर, इसी डबल एंट्री सिस्टम के कुछ बहुत सारे 15, 16, 13, 12 मेरिट्स और कुछ डीमेरिट्स दिए होंगे। दैट इज अ कंप्लीटली रीडिंग टॉपिक, आप एक बार उसको रीड करो,
कंप्लीट रिकॉर्ड देता है, फ्रॉड से बचाता है, इस तरीके के बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, वो आप आसानी से रीड कर सकते हो। और जो डीमेरिट्स है वो भी एक बार रीड करने वाली चीज है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर से वो ये है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपने ये कर लिया तो समझो मैक्सिमम चैप्टर इज ओवर, इससे ज्यादा नहीं आता कुछ आपके एग्जामिनेशन में। एक चीज और कर लेना, वो है सिंगल एंट्री और डबल एंट्री का डिफरेंस, सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम का डिफरेंस, वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वो आपको सिंगल एंट्री सिस्टम बिल्कुल लास्ट में जो आपकी बुक में दिया हुआ है वहां पे आपको डिफरेंस मिलेगा उस चैप्टर में, उसको रीड जरूर करके जाना। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको ये छोटा सा चैप्टर दैट इज डबल एंट्री सिस्टम समझ में आया होगा और आपने अच्छे से सारी चीजें क्लैरिफाई कर ली होंगी। स्टिल अगर कोई डाउट आता है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, या कोई और चैप्टर ऐसा है जो हमारा रह गया है एक्सप्लेनेशन को, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, हम उसको भी बहुत जल्दी कवर करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना सभी दोस्तों के साथ, एग्जाम आ रहे हैं सबका फायदा होना चाहिए, और मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन।